अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? एंड हैप्पी न्यू ईयर। नया साल स्टार्ट हो गया, सो आई विश ये नया साल हम सब के लिए बहुत खुशियों से भरा हुआ हो। सो जनाब, टुडे वी आर गोइंग टू सी द फायरवर्क्स। सो हम बुर्ज खलीफा के सामने जा रहे हैं और ये है कि हम घर से ही प्लान कर निकले थे और गूगल मैप पे देखते हुए आए कि कौन सा रोड कब तक खुला हुआ है। वहाँ पर रोड्स टाइमिंग के अकॉर्डिंग, रश के अकॉर्डिंग खुले होते हैं। टाइम एक सर्टन टाइम बता देते हैं कि तब तक आप जा सकते हो और उसके बाद रोड ब्लॉक कर देते हैं। फिर आप रोड पर ही, पूरे दुबई में ही लोग डिफरेंट जगह पर खड़े हो जाते हैं फायरवर्क्स देखने के लिए, लेकिन वी ट्राई आवर बेस्ट कि हम करीब तरीन जगह पर जा सकें विद आवर 3 kids। सो आप देख सकते हो कितना क्राउड है, कितना रश है और लोग जो हैं वो पैदल चल रहे हैं बच्चों के साथ और जैसे भी कोई कार्स नहीं हैं। वैसे तो स्टॉलर्स वगैरह उन्होंने मना किए हुए थे कि आप नहीं लेके आ सकते, लेकिन आने दे रहे थे वो। जो बैचलर्स बॉयज़ वगैरह होते हैं उनको वैसे वो प्रेफर नहीं करते, उनको रोक लेते हैं। तो फैमिलीज़ के लिए ये काफ़ी अच्छा है कि फैमिलीज़ को प्रेफर करते हैं कि फैमिली जो लोग हैं वो पहले जाएं। पूरा इंतज़ाम था, एम्बुलेंस थे और हर तरह का सिक्योरिटी था, पानी वो दे रहे थे और काफ़ी सिस्टम था और बहुत क्राउड था। बहुत एक फील ही डिफरेंट थी, एक मज़ा ही डिफरेंट था जो सिर्फ आप वहाँ जाकर फील कर सकते हो। जब तक ये एफर्ट नहीं आप करोगे ना, आप वो मज़ा ले ही नहीं सकते। सो हम भी चलते जा रहे थे बच्चों के साथ। माशाल्लाह मेरे बच्चे बड़े अच्छे हैं, वो तंग नहीं करते और बहुत कोऑपरेटिव हैं। सो हम भी चले जाते हैं। सो हम देख रहे थे कि कहाँ तक हम जा सकते हैं, कहाँ तक हम किसी अच्छे पॉइंट पे पहुंच कर बैठ सकते हैं और वहाँ से फिर अपना फायरवर्क्स को एंजॉय कर। मैं तो ज़रूर कहूँगी कि एफ़र्ट करो और ज़रूर आओ। ये जो एंजॉयमेंट है ना, ये यहाँ पर आकर ही फील होती है। मैंने भी रोड से काफ़ी बार देखा है और यहाँ पर भी मैं पहले भी आई हूँ, ऐसा नहीं कि दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम। मैं पहले भी 2-3 बार ये एफ़र्ट कर चुकी हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगी कि ये इस दफ़ा का एफ़र्ट जो था वो मेरा वेल प्लान्ड, वेल प्रिपेयर्ड था। सो इस दफ़ा तो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया। सो हम फाइनली पहुँच ही गए जहाँ हमें जाना था। हम लोग अपने साथ अपने चेयर्स वगैरह लेकर आए थे, प्रॉपर मैट शेड बच्चों के लिए, और चेयर हम लोगों ने रख कर और बैठ के और स्टॉलर फोल्ड कर दिया। बच्चे मेरे कलर्स और अपने खेलने के लिए चीज़ें जिन्हें लेकर आए हुए थे, और ये सिर्फ हमारे बच्चे नहीं, वहाँ पे सभी बच्चे और बहुत से लोग प्लानिंग के साथ आते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है 2-3 घंटे आपको वेट तो करना है और बच्चों के साथ 2-3 घंटे एक जगह पे रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसी जगह पर ना, यहाँ पर मुश्किल नहीं होता क्योंकि यहाँ पर अक्सर ही बहुत से लोगों के फैमिली एरिया होता है, बहुत बच्चे आए होते हैं, वो बच्चे आपस में मिलकर खेलते हैं और अजीब ही एक वो उस थोड़े टाइम के लिए एक अजीब ही आपकी एक दूसरे के साथ एफिलिएशन हो जाती है और फ्रेंडशिप्स हो जाती हैं और सभी खुश और सभी मज़े में। आपको वो टाइम फील ही नहीं होता कि आप थक गए हो या आप बोर हो रहे हो, क्योंकि हर तरफ ही कुछ ना कुछ हो रहा होता है। और सही बात जो है, यहाँ पर मौसम, दुबई का विंटर बहुत ही अच्छा है। मुझे तो दुबई में विंटर बहुत प्यारा लगता है। सो मौसम अच्छा होता है और इस मौसम में तो वाकई हमारे यहाँ पर रहने वाले लोगों का दिल करता है कि आप आउटडोर बैठो और इन्जॉय करो। सो आप इस वक्त आउटडोर भी होते हो, टाइम भी होता है और एक इन्जॉयमेंट भी चल रही होती है, तो टाइम गुजरने का पता ही नहीं लगता। So I'm taking some random clicks and passing my time. बस थोड़ा ही टाइम रह गया था और फिर न्यू ईयर का लेज़र शो और फायरवर्क्स फिर स्टार्ट हो गए। लोग इस खूबसूरत
लुक एट दिस क्राउड, किस कदर ज़्यादा लोग हैं। और ये अब नहीं हर साल होता है, एवरी ईयर, सिर्फ कोविड के दिनों में या कोविड की ईयर्स में नहीं हुआ न्यू ईयर की सेलिब्रेशन, और ये क्राउड हर साल होता है। नाउ अब काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा, काउंटडाउन के टाइम पे इतना मतलब जो वो लोग साथ काउंटडाउन करते हैं ना, वो बहुत ही मज़े की फीलिंग होती है और एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा होती है ना। ये चीज़, ये फीलिंग हम यहाँ पर आकर नहीं ले सकते हैं। रोड पर भी मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है, और रोड पर खड़े होकर आप यही कहते हो फायरवर्क्स ही तो हैं, वही तो होता है हर दफ़ा, सो क्या देखना। ये यहाँ पर जो फीलिंग होती है ना आपको न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने की, वाओ, सो एक्साइटेड, सो एक्साइटेड। इस पर फायरवर्क्स शायद थोड़े से लंबे हुए हैं, वैसे ये पूरे फायरवर्क्स 3 मिनट्स के होते हैं या 3.5 के, और इस फायरवर्क्स के लिए लोग इतना एफर्ट करते हैं, इतने इतने किलोमीटर पैदल चलते हैं, अपना कार्स पार्क करते हैं, और सिर्फ आना ही नहीं वापसी पे भी इतना ज़्यादा टाइम लगता है, और यहाँ से निकलना और कार तक पहुँचना, लिफ्ट्स में इतना रश होता है, लेकिन एवरी ईयर ये होता है, एवरी ईयर इतना ही क्राउड होता है और इतनी एक्साइटमेंट और इतनी ही खुशी से लोग आते हैं। वैसे टूरिस्ट भी बहुत होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से टूरिस्ट से ज़्यादा यहाँ पे जो रेजिडेंस होते हैं ना, जो यहाँ पे रह रहे होते हैं, वो ज़्यादा एफर्ट करते हैं, क्योंकि टूरिस्ट को इतना पता भी नहीं होता कि कहाँ पार्क करनी है और कैसे आना है और रास्ते और ये चीज़ें, थोड़ा सा उन बेचारों के लिए मुझे लगता है ज़्यादा मुश्किल होता है यहाँ तक पहुँच पाना, क्योंकि रोज़ भी बंद कर देते हैं, एक सर्टेन टाइम के बाद रोड ब्लॉक हो जाते हैं, फिर आप रोड पर ही खड़े होकर देखो। रोड पर भी बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे दुबई में आप देख सकते हो न्यू ईयर के फायरवर्क्स, और बहुत से लोग एफर्ट कर भी नहीं पाते बच्चों के साथ, और रश में फंसना, और फिर टाइम के लिए यहाँ पर लॉन्ग वीकेंड था, सो दिस टाइम ईजी भी बहुत था हम लोगों के लिए भी आना, सो हम लोगों ने एफर्ट की भी। मेरे बच्चे भी अपने ही व्लॉग बना रहे थे, और इवन मेरा जो छोटा 9 मंथ्स का बेटा है वो भी बड़ा एक्साइटेड होके देख रहा था, उसे भी कुछ फन सा महसूस हो रहा था। ऑल दो मेरे बच्चे बहुत नाइस हैं, इवन मेरा छोटा बेटा भी बिल्कुल नहीं तंग करता, रोया नहीं, कुछ भी नहीं, सो मैं कर लेती हूँ। बच्चे अपने एक्साइटमेंट में और अपने मज़े में, उनके लिए भी ये बड़ा एक्साइटेड ही था कि सभी लोग खुश थे, विश कर रहे थे, और अच्छा मज़े का माहौल बना हुआ था, उनको कुछ फ्रेंड्स वगैरह उधर मिल गए, और बस फिर फायरवर्क्स ख़त्म हो गए। फायरवर्क्स के ख़त्म होते ही लोग फटोफट अपना वापस निकलने की तरफ आते, क्योंकि फिर ट्रैफिक ब्लॉक हो जाता है, रश हो जाता है, इवन पार्किंग से ही गाड़ी निकलते निकलते आपको काफ़ी टाइम लग जाता है, पार्किंग तक पहुंचने में ही बड़ा टाइम लग जाता है, लिफ्ट्स बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड और ओवरलोडेड हो जाती हैं, और लिफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा आपको वेट करना पड़ता है, लेकिन बस यही है, अगर आप हिम्मत कर सकते हैं तो आप ज़रूर आएँ और एंजॉय करें इस टाइम को। देखें अब लोग जैसे ही फायरवर्क्स ख़त्म हुए और लोग जल्दी जल्दी घरों की तरफ अब दौड़ रहे हैं, भूख भी लग जाती है बहुत से लोगों को, इवन बच्चों वालों को। हम तो यहाँ से निकलने के बाद कहीं गए थे कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि बच्चे काफ़ी देर से यहाँ पर थे, हम लेकर आए हुए थे खाने पीने की, हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें, पानी और स्नैक्स वगैरह और बर्गर इस तरह की चीज़ें सभी लोग लेकर आते, क्योंकि काफ़ी टाइम इधर बैठना पड़ता है और मज़ा भी आता है, साथ कुछ खाते पीते हो,
अब टाइम गुजर जाता है। बस अब वापस जा रहे हैं हम सभी, काफ़ी वॉक है। बच्चे मेरे थक गए थे लेकिन खुश भी बड़े थे, पाँव में दर्द हो रहा था। सो फाइनली हम लिफ्ट तक आ गए, बहुत रश था, कुछ पिक्स ली और फिर हम अपनी गाड़ी तक आ गए। और गाड़ी में खाना शाना पहले खा कर जब हम दोबारा घर के लिए बिल्कुल जा रहे थे, रात के 3:13 हो रहे थे और रोड पे ऐसे रश था जैसे अभी रात के 8-9 हो रहे हैं। सो गुड बाय, इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। हैव अ गुड टाइम, बाय, अल्लाह हाफिज़।